Hey guys, good morning. First of all, welcome again in your channel #GoWithTrend. So guys, कैसी लगी आपको रामलीला? पर्सनली हमें बहुत अच्छी लगी. आपने इतना सपोर्ट किया, सबने स्टेटस भी लगाए हुए थे और फनी तो थी ही और बच्चे भी खुश थे. तो आज जो है वो सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करना है. तो जैसा भी है कि एडिटिंग तो लेट तक ही हो पाएगी बिकॉज़ अभी तक तो कुछ प्रिपरेशन ही नहीं है. मौलिक भी स्कूल गया हुआ है और एक दो करेक्टर्स हम बढ़ाने की सोच रहे हैं अगर हमें कोई करेक्टर मिला. दैट्स तो आज जो है रामलीला का सेकंड पार्ट आने वाला है. गाइज, वीडियो को एंड तक देखना. अभी फ़िलहाल कुछ सीन ऐसा है, मैं आई हूँ ऊपर नहाने बिकॉज आज दूसरा नवरात्रा है, फिर हमें पूजा करनी है और मिलते हैं जल्दी हम. वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहना और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर सके. और हर्ष जी क्या बोल रहे पता नहीं. हाँ, बोलो साचे दरबारे की जय. So guys, अब बनने वाले हैं मिक्स वेज पकौड़े और उसके मम्मी पकौड़े फ्राई कर रही है. मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है ऑयल से. बहुत ज़्यादा टेस्टी पकौड़े बने थे स्वाति दी ने बनाए थे. और ये देखो कैसा टेक्सचर भी मस्त आया था, एकदम क्रिस्पी. हर्ष जी बोले तो शादी वाले जैसे पकौड़े बने हैं. जो ये वीडियो है गाइज, ये कल की ही है. आज की वीडियो भी इसमें मैंने ऐड कर दी है. बिहाइंड द सीन्स कुछ व्लॉग्स रह गए थे, रामलीला पार्ट डाला था, कल का व्लॉग रहता था तो आज ये मैंने वीडियो डाल दी. और ये जो सीन आपको दिखाए जा रहे हैं ये रामलीला बिहाइंड द सीन है. कि भाई कितनी दिक्कत होती है इनसे काम करवाने में, सच में बहुत ज़्यादा. ये लोग मुंह देखो इसमें मौलिक का. तो बिहाइंड द सीन दिखाने का यही रीज़न है गाइज आपको, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कर सकें, क्योंकि आपको भी पता लगना चाहिए कि मेहनत होती है. और ये सीन्स रामलीला पार्ट 2 के ही हैं, आपने देखे भी होंगे. कुछ सीन्स रह गए हों तो आप देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपने चैनल पे डाला हुआ है. उसके बाद हम शाम को गए थे गौरी को छोड़ने. छोटी ननंद भाई बिस्चू. ओ अरे 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 काका है क्या ये तेरा? बम्पर के मोटरसाइकिल की आवाज यहाँ से सुना करती, घर तक सुना करती. ओ गाइस, ये है पहले शोर भी तो कम होता है. हाँ, रात को सर्दियों में आया करते ना. ये मंदिर है, वहाँ पे तो छोटा सा मेला भी लगा हुआ था. ये एंट्रेंस है हमारे गांव की. हर्ष में स्कूल पे ही गए थे और बारिश आ रही थी थोड़ी थोड़ी. सेकेंड पार्ट को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच. और बहुत ही ज़्यादा अच्छी, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी वीडियो और आप लोगों को भी लगी है. तो गाइज, आज किचन ब्लॉग की तो बात ऐसी है कि आज हम बनाने वाले हैं फिर से पुलाव. बट आज थोड़ा मैं सोया चंक्स और थोड़ा अलग टेस्ट के साथ जाना चाहूँगी. तो पूरी वीडियो देखना. अभी मैं बता देती हूँ, अभी मैंने कुकर में ज़ीरा राइस, प्लेन वाइट वाले राइस चढ़ाए हैं, थोड़ी सी हल्दी डाली है और सीटी आने तक का वेट करते हैं. एक ही सीटी आएगी. और यहाँ पे प्रिपरेशंस दिखा देती हूँ. यहाँ पे मैंने आलू को कट कर लिया थोड़े बड़े पीसेस में बिकॉज़ वो मैश ना हो. और यहाँ पे बाकी सारी प्रिपरेशन है जिसमें अनियन और कैप्सिकम ऑप्शनल होती है, आप ले सकते हैं, मैंने नहीं ली है. और ये सोया चंक्स लिए हैं और बीन्स हैं, ग्रीन चिली है, बस यही है. एक दो चीज़ें और भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत से लोग गाजर वगैरह भी डाल लेते हैं, थोड़ी सी थी मेरे पास, मैंने वही ली है. और पनीर भी ऑप्शनल होता है. तो जैसा भी प्रोसेस रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी, वीडियो को एंड तक देखना.
सोया चंक
आलू के ऊपर रेड रेड लेयर दिखने लग रहा है, तो आप समझ लेना कि आपका आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है। और अभी सोया चंक्स आ रहे हैं तो 2 मिनट और फ्राई करते हैं, उसके बाद हम ये अनियन और वो मटर कट के डालते हैं। कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं ना, डर भी लगता है वैसे। अब हम ये वाली वेजीज डाल देते हैं एट ए टाइम। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे नमक मिर्ची हल्दी वगैरह, और कुछ मसाले आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, बट इसमें फ्लेवर अलग आता है जब वेजीज जाती है। थोड़ा पानी डाल देता हूँ, गलती हो जाएगा, पानी नहीं जाना चाहिए था। चलो थोड़ा सुखाते हैं पानी को। और गाइस पानी सूखने के बाद कुछ ऐसा टेक्सचर हो गया था, पापा आ गए थे तो मैं नाश्ता देने लग गई थी, और आज ये रियू की वीडियो भी एक साथ बहुत क्यूट सी माता रानी लगी है। सो गाइस पुलाव बनने के बाद कुछ ऐसे दिखे थे, वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई। सो गाइस इसी के साथ हम आज के व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। इस वीडियो में 2 दिन की व्लॉगिंग थी, कल की और आज की बिहाइंड द सीन्स, कल के बिहाइंड द सीन्स थे और किचन व्लॉग जो था वो आज का था। ओके गाइस बाय बाय, जय माता दी।